और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से भी टीवी9 भारतवर्ष ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी दोहरे शतक की तरफ बढ़ रही है। विपक्ष जातिवाद क्षेत्रवाद की सियासत कर रहा है, विपक्ष परिवारवादी है और हम विकासवादी हैं। अपराधियों पर बुलडोजर चलाने में आखिर किसे परेशानी है, ये सवाल भी पूछा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान हो रहा है, लोग सुबह से निकल करके वोट कर रहे हैं और हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से, जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, सुबह से लोग निकल करके आ रहे हैं, 9% के आसपास लखनऊ की वोटिंग हो गई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों में उत्साह है वोट के प्रति और ये एक सकारात्मक पहल है और उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ तेजी के साथ में बदली हैं। बीजेपी अपने दोहरे जीत के शतक की तरफ बढ़ रही है, वहीं विपक्ष अपने दोहरे हार के शतक की तरफ बढ़ रही है और निश्चित रूप में ये चुनाव उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाला चुनाव है। पहला ऐसा चुनाव है जहां पर जनता चुनाव लड़ रही है। आज सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये चुनाव में मुद्दे विपक्ष नहीं कहता। विपक्ष आज कौन सा मुद्दा कह रहा है? विपक्ष आज कह रहा है कहीं जातिवाद के आधार पर, कहीं क्षेत्रवाद के आधार पर, कहीं वो जिन्ना को लाता है, कहीं किसी और को लाता है। वो उनकी टोटल राजनीति परिवारवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी और संप्रदायवादी है। बीजेपी की जो नीति है वो विकासवादी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।